श्री शंकर भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जगदम्बे मैया की जय सद्गुरु देव राम महाराज की जय सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय सर्व संतन की जय प्रेम प्रकाश मंडल की जय अमरापुर दरबार की जय गंगा मैया की भैरवी भजन सोहरा आओ प्रभु एक बार देव दीदार तेरे बिन चैन नहीं दिवस तरसाता ओ रैन दिवस तरसाता एक घड़ी भी धीर न धरता रोता और चिल्लाता राम रोता और चिल्लाता राह रहे हैं निहार करे इंतजार तेरे बिन चैन नहीं ओ, आओ प्रभु एक बार देवो दीदार तेरे बिन चैन नहीं तेरे बिन चैन नहीं छोड़ गए क्यों साजन मुझको अब तो दरस दिखाओ अब तो दरस दिखाओ मेरी भूल को क्षमा आकर के अपने चरण लगाओ अपने चरण लगाओ रो रो करूं मैं पुकार सुनो करतार तेरे बिन चैन नहीं आओ प्रभु एक बार देवो दीदार तेरे बिन चैन नहीं तेरे बिन चैन नहीं कहते हूँ हरि तुम बिन मुझको नैने नींद न आवे नैने नींद न आवे तेरा दर्शन चाहत हूँ मैं और न मोह सुहावे और न मोह सुहावे मिलिए प्राण आधार पड़ा हूँ द्वार तेरे बिन चैन नहीं ओ, ओ प्रभु एक बार देवो दीदार तेरे बिन चैन नहीं तेरे बिन चैन नहीं राग भैरवी भजन 16 आओ प्रभु एक बार देवो दीदार तेरे बिन चैन नहीं बेचैन भक्त के मन की पुकार इस पावन भजन में है
भक्त कहता है कि हे प्रभु एक बार मुझे दर्शन दो, मेरे मन को आपके बिना आपके दर्शन के बिना चैन नहीं है। तेरे दर्श बिन मनवा मेरा, मेरा मन आपके दर्शन के बिना दिन रात व्याकुल है, एक घड़ी भी देर न धरता, रोता और चिल्लाता। घड़ी भर के लिए भी मुझे शांति आराम नहीं और रुदन में व्याकुलता में समय व्यतीत होता है। आपकी राह निहार निहार के इंतजार करके मेरा समय बीतता है। छोड़ गए क्यों साजन मुझको, मुझसे क्या भूल गई कि आपने मुझे त्याग दिया। अब कृपा करके अपना दर्शन दिखाओ, मेरी अपराधों को माफ करो, क्षमा करो, अपने चरणों में मुझे आश्रय दो। मैं रो रो कर आपको पुकारता हूँ, हे प्रभु हे करतार मेरी पुकार सुनो। कहे टे हूँ हरि तुम बिन मुझको नैने नींद न आवे, आपके बिछोह में वियोग में मेरे नैनों में निद्रा नहीं। रात्रि भर जागकर आपको याद करता रहता हूँ, आपका दर्शन चाहता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हे प्राणाधार हे सर्व समर्थ स्वामी, मिलकर के आप मुझसे मिलकर के मुझे शांति प्रदान करें। मैं आपकी शरण में हूँ, आपके द्वार पे पड़ा हूँ, कृपा करके मुझे दर्शन देकर आनंदित करिए। पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी, भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी, अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ, अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत, भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत, दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत, सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार, जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार, वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश,
अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान, पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दोहावली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।